भोपाल के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि भोपाल में उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन हुआ। उनके भोपाल आने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा सकती थी। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के स्वागत में पूरे शहर में 65 से ज्यादा मंच बनाए गए थे। एक ओर जहां पूरा झारखंड गर्मी की चपेट में है, तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश को लेकर देश के कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इन राज्यों की में हल्की से मध्य बारिश की संभावना जताई है, साथ ही इन इलाकों में तूफान और बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। पुरानी रंजिश को लेकर एक मकान मालिक और किराएदार के बीच झगड़ा का मामला सामने आया है। बता दें कि यह घटना 10 जून की रात की है, जिसमें किराएदार दुर्गा और विमला मकान मालिक के खिलाफ आपस में बात करने लगी। इन बातों को सुनकर मकान मालिक गुस्से में आग बबूला हो गया और दुर्गा के साथ उसकी झड़प हो गई। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। एक ओर जहां बारिश की वजह से भारत और कनाडा का मैच रद्द हुआ, वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जो खिलाड़ी कर रहा था अपने संन्यास की तैयारी, अब सुपर 8 मुकाबले में करेगा डेब्यू। रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को लेकर किया सबसे बड़ा ऐलान। इस ऐलान ने सेना सिर्फ भारतीय बल्कि खिलाड़ियों में भी मची खलबली। दरअसल रोहित शर्मा युजवेंद्र चहल को मौका देने की सोच रहे। युजवेंद्र चहल एक ऐसे खिलाड़ी है जो काफी समय से टीम इंडिया से बाहर है, लेकिन IPL में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, इसलिए रोहित शर्मा ने उनको वर्ल्ड कप के रिक्वायर्ड में शामिल करने का फैसला किया है। अयोध्या के शुक्ला क्रेसर बस्ती में अपने बुजुर्ग बाप के साथ अड़ीबाजी करने वाले बेटे को अयोध्या पुलिस ने महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि नाथू विश्वकर्मा ने नगर थाने में शिकायत की थी, उसके बाद अपने बुजुर्ग बाप के साथ अड़ीबाजी की थी। इस घटना की सूचना अयोध्या पुलिस को मिलते ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर त्वरित कार्रवाई की और थाने से टीम रवाना कर आरोपी राहुल अहिरवार को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश में चुनाव में तगड़ी हार झेलने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आंध्र प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के जगमोहन रेड्डी के घर पर ही बुलडोजर चला दिया। बताया गया कि जगमोहन रेड्डी का घर नगर निगम के सड़क पर अवैध निर्माण हुआ था, जिसे बुलडोजर चलाकर जमीन दोज कर दिया गया। इटली में G7 की बैठक संपन्न हो चुकी है, इसके बाद वहां की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस बीच पाकिस्तान और चीन की मीडिया में नाराजगी छाई हुई है। बता दें कि इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में खड़े नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि सारे के सारे देशों के बीच सबसे मजबूत देश को खड़ा किया जाता है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीच में खड़ा होना कई सवालों को खड़ी कर रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज जारी की है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि इस साल मार्च में की केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को भत्ता बढ़ाकर 50% कर दिया, या बढ़ोतरी जनवरी 2024 से मना गया था। सरकार साल में दो बार DA में बढ़ोतरी करता है, पहली जनवरी से जून की अवधि के लिए, दूसरा जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए। इस वजह से इस बार दिवाली के आसपास इस बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे जून में ही बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को कान क्लोज डक्ट परियोजना की आधारशिला रख दी है। बता दें कि यह परियोजना 42 महीने में तैयार होकर पूरी हो जाएगी। बता दें कि उज्जैन के कान्हे नदी के दूषित जल को शिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिए इस परियोजना को तैयार किया जा रहा है। बता दें कि यह परियोजना 42 महीने में तैयार हो जाएगी। इसके बाद कान्हे नदी का प्रदूषित जल गंभीर नदी के डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई टीम NDA फिर से केंद्र में सरकार बना ली, और इस प्रकार नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की कमान अपने हाथ में ले ली है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर सियासत हलचल भी तेज हो गई है। विपक्षी गठबंधन ने इस पद के लिए चुनाव से पहले ही मांग की थी। जानकारी के अनुसार बता दें कि जयदू की नजरें पहले से ही लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर है, ऐसे में कौन होगा इस कुर्सी का हकदार, यह देखना होगा दिलचस्प। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने UAPA के तहत हिरासत में लिए मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों को लेकर चिंता जताई है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि UAPA कानून की एक बार फिर चर्चा हो रही है, यह कानून बहुत ही खतरनाक है। इस कारण हजारों मुस्लिम, दलित और आदिवासी युवाओं को जेल में डाला जाता है और उनकी जिंदगी बर्बाद की जाती है। इस दौरान ओवैसी ने दावा करते हुए यह भी कहा कि 85 साल के स्टेन स्वामी की मौत का कारण यह सख्त कानून बना।
T20 वर्ल्ड कप के बीच शुभमन गिल और आवेश खान भारत वापस लौट रहे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुभमन गिल को अनुशासनहीनता के कारण अमेरिका से लौटना पड़ रहा है। वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल के रिश्ते में दरार देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय रिक्वायर्ड में काफी खिलाड़ी है, लिहाजा शुभमन गिल और आवेश खान की भारतीय टीम को इतनी जरूरत नहीं, इसलिए यह दोनों वापस लौट रहे हैं। झारखंड को एक बार फिर वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। जल्दी टाटानगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत का संचालन होगा। बता दें कि इसके संचालन हेतु कार्य शुरू कर दी गई है और यह जल्दी शुरू हो जाएगी। इस मामले में दक्षिण पूर्व रेलवे के GM अनिल कुमार मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि टाटानगर स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। ECP कॉन्ट्रैक्ट के अधीन है, इसके तहत ठेकेदार का ही इसका डिजाइन और वर्क करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें अमरनाथ की आगामी वार्षिक तीर्थ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था और हाल के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर जम्मू में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर बाहर फायरिंग के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने एक नई FIR दर्ज की है। इस मामले में आपराधिक धमकी देने के आरोप में राजस्थान से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजस्थान के बूंदी निवासी बनवारी लाल लटूर लाल गुर्जर के रूप में हुई है। मुंबई पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है।